मैनपुरी की जंग में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतार दिया है। मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट पर उनकी बहू की दावेदारी ने उपचुनाव को अब दिलचस्प बना दिया है। पहले ही यादव कुनबे के तेज प्रताप यादव और शिवपाल यादव के नाम की भी चर्चाएं तेज थीं, लेकिन आखिर में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। मैनपुरी सीट पर आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए, ये सपा सुप्रीमो के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने सीट पर डिंपल यादव को उतारने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से लेटर जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। हालांकि मैनपुरी सीट को जीतने के लिए बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सपा मुलायम सिंह यादव के परंपरागत सीट को बचाती है।